So hello people, good morning. This is your channel CTV, and in this video we are going to revise another essay, that is essay 265, right? इसके पहले वाला जो था essay 260, वो 260 जो essay है वो communication with PCWG, ठीक है? This is also communication deficiencies in internal control, particular communication है ये. Communication deficiencies in internal control to TCWG and management. Communication with TCWG and communicate deficiencies in internal control to TCWG and management. ठीक है, चलो. So मैं आपको बता दूँ कि आपको कैसे पढ़ने का है, कि आप अपने नोट्स ओपन करो एंड इस वीडियो को सुनो. ठीक है, अगर आपको वीडियो को देखना है तो देख भी सकते हो, पर इस वीडियो को सुनो नोट्स ओपन करके. ठीक है, आपको जो है ये सारे पर्टिकुलर हेडिंग्स है, जिस हेडिंग्स में हम जो है बात करेंगे, तो नोट्स कोई से भी हो, किसी के भी हो, ये पर्टिकुलर हेडिंग तो होगी ही होगी, ये ऐसे की हेडिंग्स है. ठीक है, तो बिना किसी देर के अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्कोप में देखो क्या है, कि देखो किसी भी एसेट को प्रोटेक्ट करने की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है TCWG मैनेजमेंट की. तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एसेट TCWG और मैनेजमेंट की होती है. इस एसेट का स्कोप ये है कि ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जब वो अपने ऑडिट प्रोसीजर कर रहा था, उसको अगर आइडेंटिफाई होते हैं कुछ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल. ठीक है, अब वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी या तो इंडिविजुअल लेवल पे हो या विद कॉम्बिनेशन विद अदर डेफिशिएंसी, अगर एग्रीगेट में अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी दिख रही है, तो ऐसे केस में बेटर है कि आप TCWG मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर लो. ठीक है, टाइमली. ठीक है, तो ऑडिटर अपनी प्रोसीजर कर रहा, ऑडिट प्रोसीजर, उसको कुछ डेफिशिएंसी मिल रही है, वो डेफिशिएंसी इज ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस, वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, इंडिविजुअली या विद कॉम्बिनेशन विद डेफिशिएंसी, वो अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाता है कि क्या ये डेफिशिएंसी इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखती है. तो ऐसे केस में TCWG और मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करती है टाइमली बेसिस पे, और ये बताती है कि देखो मैं तो अपना ऑडिट कर रहा था, और ऑडिट करते समय मुझे ये सब दिखा. ठीक है, ऑडिटर प्राइमरीली इंटरनल कंट्रोल चेक नहीं करेगा, जो ऐसे 315 ऐसे 330 में बोलता है, वो परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल उतना ही वो करेगा. ठीक है, तो ये इसलिए ही ये ऐसे कोई इम्पोज नहीं करता एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ओवर एंड अबव, जो 315 और 330 में बोला गया है, उससे ज़्यादा की कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज नहीं करता. राइट, तो जितना बोल के रखा है उसके दौरान, उतना जब वो कर रहा था टेस्ट ऑफ कंट्रोल, उसको कुछ दिखे तो वो मैनेजमेंट और TCWG को बता देगा. अब रही बात है कि अब वो अपने ऑडिट प्रोसीजर कर रहा था, तो ऑडिट प्रोसीजर का मतलब ये है कि वो जब ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहा था, ऑडिट प्रोसीजर का मतलब ये नहीं है कि कोई इंटरनल कंट्रोल को ऑडिट कर रहा था और इंटरनल कंट्रोल के ऑडिट करने के दौरान उसको अगर कुछ दिखा, नहीं, वो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहा था. अब ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में अगर उसको कुछ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी दिखी, वो उसके प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से वो देखेगा कि वो सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, और फिर वो जो है कम्युनिकेट कर देगा टाइमली बेसिस पे. अब पॉइंट ये आता है कि डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है. देखो, डेफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि या तो कंट्रोल नहीं है, या कंट्रोल है पर वो इफेक्टिव नहीं है. ले देखिए, आप जो है प्रिवेंट डिटेक्ट, देखो आप ना तो प्रिवेंट कर पा रहे हो, मतलब रोक पा रहे हो, चलो मिस स्टेटमेंट है तो आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, और ना तो आप जो है करेक्ट कर पा रहे हो. ठीक है, तो प्रिवेंट डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अनेबल टू, ठीक है, अनेबल टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ऐसे कंट्रोल जो ना तो प्रिवेंट कर रहे हैं, ना तो डिटेक्ट कर रहे हैं, ना तो करेक्ट कर रहे हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो ऐसे कैसे बोला जाता है कि देखो ये कंट्रोल जो है डेफिशिएंसी है. ठीक है, पहले दो चीज, कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल इज मिसिंग टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट, और कंट्रोल है तो कंट्रोल इज इनएडिक्वेट, कंट्रोल इज इनएडिक्वेट टू प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब पॉइंट ये है कि अभी हमने ये समझा कि या तो कंट्रोल नहीं है टू प्रिवेंट, मतलब कि कंट्रोल इज अनेबल, ठीक है, या तो कंट्रोल इज मिसिंग, कंट्रोल है पर वो अनेबल है, या कंट्रोल इज मिसिंग है. ठीक है, या तो कंट्रोल अनेबल है टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. पॉइंट ये है कि कल को कंट्रोल है, ठीक है, और कल को जो है मटेरियल मिसस्टेटमेंट को वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो हमने मान लिया कि चलो ठीक है ये कंट्रोल डेफिशिएंट है, या तो कंट्रोल नहीं है तो वो तो प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट कर ही नहीं पाएगा. पर हमको ये भी सोचना पड़ता है कि जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी तब भी हो सकती है इररिस्पेक्टिव ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट का होना ज़रूरी है तब जाके डेफिशिएंसी पता चलेगी.
मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है या इवन दो मटेरियल स्टेटमेंट नॉट ऑकर या लाइकली टू ऑकर, ठीक है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मे एग्जिस्ट इवन दो ऑडिटर हैज नॉट आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग द ऑडिट. तो मिस स्टेटमेंट का ऑकरेंसी, मिस स्टेटमेंट का होना, मिस स्टेटमेंट का ऑकरेंस होना, राइट, सिर्फ तभी ही शो नहीं करेगा, सिर्फ तभी ही शो नहीं करेगा डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी का मिस स्टेटमेंट से लेना देना नहीं है. हो सकता है कल को जो है सैंपल बेसिस के चक्कर में ऑडिटर जो है मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया आइडेंटिफाई. तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कंट्रोल में डेफिशिएंसी नहीं है. हो सकता है भैया कंट्रोल में डेफिशिएंसी हो, ठीक है, क्योंकि मिस स्टेटमेंट तो वो नेचर टाइमिंग और एक्सटेंट के हिसाब से रहेगा. कल को ऑडिटर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कंट्रोल सब सही है. हो सकता है कंट्रोल तब भी डेफिशिएंट हो. बोलने का मतलब ये, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जो मैं बोल रहा हूँ तो कम्युनिकेट भी आपको करना पड़ेगा ना. मैंने तो आपको ये बोला कि बस ऑडिटर को जो है ऑडिट प्रोसीजर के दौरान अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिलती है इंटरनल कंट्रोल में, वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या एग्रीगेट लेवल पे हो, उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा टाइमली बेसिस पे, ठीक है. ऑडिट प्रोसीजर मतलब कि वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहा है वाइल डूइंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ऐसा 315 और ऐसा 330 के हिसाब से जो भी ऑडिट प्रोसीजर है वो कर रहा है. इससे ज़्यादा एक कोडी का इससे ज़्यादा प्रोसीजर नहीं कर रहा. पॉइंट ये है कि हमने बोला सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी को आप टाइमली जो है मैनेजमेंट और TCWG को कम्युनिकेट कर दो. जो कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की बात, फिर आती है अदर डेफिशिएंसी, कि अदर डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल जो आइडेंटिफाई करे ड्यूरिंग द ऑडिट और जो कम्युनिकेट नहीं करे है मैनेजमेंट को बाय अदर पार्टीज एंड दैट इन द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट आर ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस. देखो एक तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिलती है तो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा. कुछ अदर डेफिशिएंसी है, ठीक है, अदर डेफिशिएंसी कम्युनिकेट नहीं करी है अदर पार्टीज ने, ठीक है, पर वो सफिशिएंट इंपॉर्टेंस रखती है एज पर द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है, तो वो कम्युनिकेट करता है मैनेजमेंट को. मतलब कि मैनेजमेंट एट एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैनेजमेंट भी एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के तहत अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कम्युनिकेट करना, राइट. टाइमली कम्युनिकेट करो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, और रही बात आती है अदर डेफिशिएंसी की, तो अदर डेफिशिएंसी को भी कम्युनिकेट करो. अब क्या बोल दिया है कि आपको रिटर्न कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, यही है कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा. अब वो जो रिटर्न कम्युनिकेशन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेटर ऑफ वीकनेस, ठीक है, वो लेटर ऑफ वीकनेस बोलते हैं, वो मैनेजमेंट लेटर बोलते हैं या तो लेटर ऑफ वीकनेस बोलते हैं, जहाँ पे हम रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का. तो उसका भी पर्टिकुलर कंटेंट है कि यार भैया आप ये चीज़ तो कम्युनिकेट करना ही करना, ठीक है. तो आप सबसे पहले जो है रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू आप सकती बात है कि इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी का कम्युनिकेशन है, तो डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करोगे और उसके पोटेंशियल इफेक्ट की, देखो ये डेफिशिएंसी दिख रही है मेरे को और ये पोटेंशियल इफेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन टू दियर पोटेंशियल इफेक्ट, ठीक है, आप ये कम्युनिकेट करोगे, आप उसके पोटेंशियल इफेक्ट बताओगे कि ये डेफिशिएंसी ये इसके पोटेंशियल इफेक्ट है, और साथ ही साथ कुछ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आप दोगे ताकि TCWG और मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट समझ सके कम्युनिकेशन क्या, कि मैं कम्युनिकेशन किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ वो भी ध्यान दो. कि कल को ऑडिटर ने जो है मैनेजमेंट को डेफिशिएंसी कम्युनिकेट कर दी और मैनेजमेंट बोले कि यार ये तो इंटरनल कंट्रोल को चेक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी हो गई है तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए मैनेजमेंट और TCWG गलत नहीं समझे, तो मेरे को कुछ एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि वो कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्स्ट समझ सके, ठीक है. तो आपने डेफिशिएंसी बताई और उसका एक्सप्लेनेशन बताया कि देखो ये डेफिशिएंसी है, ये इसका पोटेंशियल इफेक्ट है, साथ ही साथ कुछ एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो. सबसे पहले पर्पस ऑफ ऑडिट, कि जो पर्पस ऑफ ऑडिट है ना वो तो एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना ही मेरा पर्पस है, मेरे को इंटरनल कंट्रोल चेक करने का पर्पस नहीं. तो पहला पर्पस ऑफ ऑडिट मैं आपको बता दूं, इससे पहले आप गलत समझो, मैं आपको पर्पस ऑफ ऑडिट बता दूं. दूसरा पॉइंट इंटरनल कंट्रोल, ऑब्वियसली बात है मैं डेफिशिएंसी बता रहा हूँ, तो इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में मैं आपको बता दूँ कि इन दोज इंटरनल कंट्रोल जो रेलेवेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, तो क्या बोल रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल जो रेलेवेंट है इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू डिज़ाइन ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है. तो ऑडिट प्रोसीजर डिज़ाइन करने के दौरान, ठीक है, जो इंटरनल कंट्रोल जो रेलेवेंट है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो याद रख लो भाई, इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू डिज़ाइन द NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, वो इंटरनल कंट्रोल पे मेरे को ध्यान देना है, ठीक है. बाकी इंटरनल कंट्रोल पे मेरा कंसिड्रेशन, मेरा फोकस नहीं रहता है. तो ठीक है, हमने क्या बोला कि देखो पर्पस ऑफ ऑडिट ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना, इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देना नहीं है, ना तो इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस पे मेरे को कम्युनिकेशन करना है. साथ ही साथ जो मैं इंटरनल कंट्रोल की बात करूँ तो जो इंटरनल कंट्रोल जो रेलेवेंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू डिज़ाइन द NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर,
उस इंटरनल कंट्रोल से मेरे को मतलब रहता है। उसमें भी अगर मुझे डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई होती है तो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो मैं नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल जो रेलेवेंट है इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू डिजाइन द ऑडिट प्रोसीजर, उन इंटरनल कंट्रोल से मैं मतलब रखता हूँ, ठीक है। वो भी दोज डेफिशिएंसी जो मैंने आइडेंटिफाई करी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, हो सकता है कि ऑडिटर को नहीं भी आइडेंटिफाई हो, राइट। और बनती बात है कि वो जो डेफिशिएंसी है वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो मैं इसको प्रॉपरली बता दूँ तो इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, ये आपने बता दिया कि रेलेवेंट है या रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू डिजाइन द एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, उसमें भी जो आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी है वो बताते हैं। और ठीक है, हम ओपिनियन नहीं दे रहे हैं ये सब, तो ठीक है ये सब हम काट सकते हैं क्योंकि हमने इधर लिख लिया है। अब एक वो पर्टिकुलर पॉइंट आता है कि कौन से इंडिकेटर्स है ऑफ हाई डेफिशिएंसी, ठीक है, ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, कौन से इंडिकेटर्स है ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, राइट। तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज को जो है इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, क्या देखो ये चीज़ें मेरे को दिखी है, ये तो इंडिकेट कर रहा है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, जाके कंट्रोल जाके कम्युनिकेट कर दो। तो कौन कौन से इंडिकेटर है, सबसे पहले ऑडिटर तो देखो एंटिटी का ऑडिट कर रहा है, एंटिटी के एनवायरमेंट को समझेगा, ठीक है। अब उसको दिख रहा है कि एंटिटी में जो है इन इफेक्टिव कंट्रोल एनवायरमेंट है, ठीक है, इन इफेक्टिव कंट्रोल एनवायरमेंट है, तो ये तो बेसिक है, कंट्रोल एनवायरमेंट इन इफेक्टिव है तो वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। अब बात करते हैं हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की। अगर एंटिटी का खुद का, मैं ऑडिटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एंटिटी की बात करूँ क्योंकि एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल की बात हो रही है, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नहीं है, या तो चलो है पर वो इनइफेक्टिव है तो भी डेफिशिएंसी है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नहीं होना वो भी डेफिशिएंसी है, होकर भी इनइफेक्टिव होना वो भी डेफिशिएंसी है, होकर इफेक्टिव है बट मतलब कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से आइडेंटिफिकेशन हो चुका है रिस्क का बट रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं है, इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स ही इनइफेक्टिव है, तो ऐसे केस में जो है वो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। तो ये पोर्शन पढ़ा हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का। फिर एक पॉइंट आता है कि इनएबिलिटी टू ओवरसी, ठीक है, ऑडिट जो एंटिटी है वो उसकी जो मैनेजमेंट या TCWG है वो ओवरसी ही नहीं कर सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्योंकि वो इतने केपेबल ही नहीं है, वो TCWG बन चुके हैं, ठीक है, पर वो ओवरसी नहीं कर पा रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। फिर जो है आप प्रायर पीरियड मिस स्टेटमेंट को जो है करेक्ट कर लेते हो, ठीक है, तो प्रायर पीरियड मिस स्टेटमेंट को रिपोर्ट करना चाहिए और आप करेक्ट कर लेते हो, करेक्ट कर लेते हैं इन द सेंस वो पीरियड, वो प्रायर पीरियड मिस स्टेटमेंट है, आपको रिपोर्ट करना चाहिए सबसे पहले, पर आप जो है उसको छुपा देते हो, उसको करेक्ट कर लेते हो। देखो अब इधर ऑडिटर में @ देख रखा है कि ऑडिटर जब वो ऑडिट कर रहा है तो मिस स्टेटमेंट कुछ होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, जो ऑडिटर ने डिटेक्ट कर लिया प्रोसीजर लगा के बट एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल ने डिटेक्ट नहीं करे, तो एक तरीके से क्या हुआ ये हुआ इनइफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल। आपको क्या करना है, कोई स्टोरी बनानी कि ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर के दौरान डेफिशिएंसी डिटेक्ट करी बट उसको एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल ने डिटेक्ट नहीं कर पाया, ऑडिटर के टेस्ट ऑफ कंट्रोल से ही डिटेक्ट हुआ, तो ऐसे केस में डेफिशिएंसी। दूसरा पॉइंट ये लिख दो इनइफेक्टिव कंट्रोल इन्वॉल्वमेंट, फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की बात पूरी कर दो कि नहीं है, होकर भी इनइफेक्टिव है, होकर इफेक्टिव है पर रिस्पॉन्स जो है रिस्पॉन्स इनइफेक्टिव है, ठीक है। फिर जो है इनएबिलिटी, एबल नहीं हो कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओवरसी कर सको और प्रायर पीरियड के मिस स्टेटमेंट को भी आप करेक्ट कर लेते हो, ठीक है। कुछ अदर पॉइंट कुछ ऐसे हैं कि जो लेटर ऑफ वीकनेस है, आप लेटर ऑफ वीकनेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हो ना, जहाँ पे आप लेटर ऑफ वीकनेस के थ्रू आप पहले ये बताते हो कि देखो ये डेफिशिएंसी है, ये इसके पोटेंशियल इफेक्ट है, फिर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन देते हो ताकि उनको कॉन्टेक्स्ट समझ में आए कि जो मेरा ऑडिट है वो ऑडिट का पर्सपेक्टिव क्या है, जो इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल जो भी रेलेवेंट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसमें भी इन ऑर्डर टू डिजाइन द ऑडिट प्रोसीजर, उसमें मेरे को जो डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई हुई है वो डेफिशिएंसी भी अगर सिग्निफिकेंट हो तो जाके जो है मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ। लेटर ऑफ वीकनेस का ये इंपॉर्टेंस हो जाता है कि ये एक जो है सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि देखो यार आपको लेटर ऑफ वीकनेस के थ्रू आपको क्या क्या पता चल जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल जो ज़रूरी है और वो जो सिग्निफिकेंट है वो मैंने आपको बता दी, तो कम से कम एटलीस्ट आप वो ठीक करो। तो लेटर ऑफ वीकनेस जो है एक ऑडिटर के लिए भी एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट है और एंटिटी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और इस तरीके से आप जो है सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हो जिससे कम से कम आपकी लीगल लाइबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, विच विल रिड्यूस द लीगल लाइबिलिटी, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल जो रेलेवेंट है इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। तो लेटर ऑफ वीकनेस इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर बोथ टू इम्प्रूव द सिस्टम, ठीक है, विच विल रिड्यूस द लीगल लाइबिलिटी, ठीक है, अराइज फ्रॉम द इंटरनल कंट्रोल वीकनेस,
इंटरनल कंट्रोल वीकनेस से जो लीगल लाइबिलिटी अराइज होती है, मैंने आपको अभी बता दिया, आप उसको ठीक कर लो। ये इंटरनल कंट्रोल जो वो जो रेलेवेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, ठीक है, वाइल डूइंग द एनटीए, वाइल डिजाइनिंग द एनटीए फॉर प्रोसीजर। ये पर्टिकुलर पॉइंट्स जो है आपको ये क्वेश्चन में दिखे थे, जैसे कि क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक था कि मई 19 के आरटीपी में था कि ऐसे 265 विद लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर। देखो कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट हम देख लेते हैं। एक तो हमने लेटर ऑफ वीकनेस के रिस्पेक्ट में पॉइंट देख लिया कि देखो लेटर ऑफ वीकनेस के एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिससे सिस्टम सुधर सकता है और लीगल लाइबिलिटी कम हो सकती है। एक ये बोल रहे हैं कि द फैक्ट कि जो इंटरनल कंट्रोल का डिज़ाइन में वीकनेस है या नॉन कंप्लायंस ऑफ कंट्रोल प्रोसीजर है, कि आप कंट्रोल प्रोसीजर को कंप्लाई नहीं कर रहे हो, इससे फ्रॉड के चांसेस या एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब इसके पॉसिबल एग्जिस्टेंस होने के, क्योंकि आपके इंटरनल कंट्रोल ही प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं है, आपके कंट्रोल प्रोसीजर प्रॉपर नहीं है, तो ऐसे केस में भाई फ्रॉड हो सकता है और फ्रॉड के पॉसिबल एग्जिस्टेंस बढ़ जाते हैं। अब देखो कि अगर इसका पोटेंशियल इफेक्ट मटेरियल है, वो लग रहा है क्या, चलो ये कंट्रोल नहीं है, फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं, और उसके पोटेंशियल इफेक्ट मतलब ले देखे कंट्रोल की डेफिशिएंसी का पोटेंशियल इफेक्ट जो है वो अगर मटेरियल है, तो ऐसे केस में भैया आप तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा लो। देखो ये हो गया कम्युनिकेशन, ठीक है, आपने कम्युनिकेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, पर एज एन ऑडिटर आपकी भी तो फटे में रहेगी, आपको खुद को अपने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ जाएंगे। 265 भले ही कम्युनिकेशन की बात करता हो, पर आपको फिर भी तो आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर एडिशनल लग जाएंगे। अब देखो कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जैसे कि वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है, ये पहले ईयर से भी पिछले अर्लियर ईयर्स में भी होता था, पर ऑडिटर को अभी आइडेंटिफाई हुए तो ठीक है, इट इज़ अ गुड डिफेंस फॉर ऑडिटर। ये ऑडिटर के लिए गुड डिफेंस है अगर ऑडिटर कम्युनिकेट करता है वीकनेस टू मैनेजमेंट। तेको अभी मिल रहे, तुम्हें अभी मिल रहे, तुम उसको कम्युनिकेट कर दो, ठीक है। देखो हो सकता है कि इंटरनल कंट्रोल तुमको नोटिस पहले भी हो सकते थे, पर वो तुम ट्रेस नहीं कर पाए, तो ठीक है, वो आप पे वैसे भी ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। कल को मैं पहले नहीं आइडेंटिफाई कर पाया तो ओके, ठीक है, वो तो ऐसे 265 तो ये बोलता है कि जो तुम आइडेंटिफाई कर चुके हो वो बता दो, राइट। तो ये मत बोल देना कि मैनेजमेंट ने ढंग से काम नहीं किया, राइट, कि ऑडिटर ने ढंग से काम नहीं किया, क्योंकि उसने इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाई लेटर ऑन करा है। मतलब ऑडिटर के ऊपर मत आ जाना, एक तो तुमने गलती करी है, मैं उसको अभी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो तुम मेरे पे मत आ जाना ये बोलते हुए कि तू उन्हें पहले क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर रहे, तू तो पहले से भी ऑडिट कर रहा था। और इस पर पर्टिकुलर क्वेश्चन है। फिर दूसरा, इफ ऑडिटर आइडेंटिफाई सम डेफिशिएंसी नाउ विच वॉज प्रेजेंटेड इन अर्लियर ईयर, ठीक है, विच वॉज प्रेजेंटेड इन अर्लियर ईयर टू, दैट डजेंट लीड ऑडिटर लायबल, उसके लिए ऑडिटर लायबल नहीं होता, भले वो वीकनेस से फ्रॉड हो चुका हो, लॉस हो चुका हो, पर तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तुमने नहीं बताया, अभी आइडेंटिफाई करो, अभी बता रहे हो, ठीक है। तो फटाफट रिकॉल कर लेते हैं क्या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी को कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, वो आप डेफिशिएंसी जो ऑडिट, फिर वो जो इंटरनल कंट्रोल है जो रेलेवेंट है इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेलेवेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर, वो कुछ उसमें डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई होती है, वो सिग्निफिकेंट है, तो आपने वो बता दिया। अब वो डेफिशिएंसी जो है वो वाली अभी आइडेंटिफाई हो रही हो आपको, वो पहले भी आइडेंटिफाई हो सकती थी, पर आपने जब आइडेंटिफाई हुई तब आपने उसको बताया, ठीक है, तो इसके लिए ऑडिटर लाइबल नहीं होगा, ठीक है, ऑडिटर को कोई दिक्कत नहीं है, और एक ये गुड डिफेंस है। फिर ऐसे 315 और ऐसे 330 के ऊपर कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज नहीं करता, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिवेंशन डिटेक्शन कंट्रोल की, करेक्शन ऑफ स्टेटमेंट की या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल की, वो मैनेजमेंट और DCWG की रहती है। डेफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि कंट्रोल नहीं है टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट, या कंट्रोल है पर अनेबल है टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट, ठीक है। कुछ हाई डेफिशिएंसी के इंडिकेटर है कि ऑडिटर अपनी प्रोसीजर से डेफिशिएंसी पता कर रहा है, ये एंटिटी अपने इंटरनल कंट्रोल से नहीं पता कर पा रहा, ऑडिटर अपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल से कर पा रहा है, ठीक है, मिस स्टेटमेंट पता कर पा रहा है, ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि एंटिटी का कंट्रोल तो अच्छा नहीं, क्योंकि एंटिटी तो नहीं पता कर पा रही, मैं पता कर रहा हूँ। फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के रिस्पेक्ट में है, फिर इनएबिलिटी टू ओवरसी, अब एंटिटी की बात कर रहे हैं तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इनएबिलिटी टू ओवरसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और थर्ड करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड मिस स्टेटमेंट, ठीक है, आप उसको करेक्ट कर रहे हो, राइट। लेटर ऑफ वीकनेस का हमने इंपॉर्टेंट समझा, ठीक है, कि क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिससे सिस्टम सुधर सकता है, लीगल लाइबिलिटी कम हो सकती है। फिर यही बात है कि जो फैक्ट है, ठीक है, कि भैया इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर नहीं है, ये सब आप उसको कम्युनिकेट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर एज एन ऑडिटर आपकी तो फटे में रहेगी कि भैया अगर आपको लग रहा है कि ये डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है, मतलब फ्रॉड होने के चांसेस पॉसिबल एग्जिस्टेंस ज़्यादा है, ऐसे केस में अदर ऑडिट प्रोसीजर, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर आप लगाओगे, ठीक है।
और ये कुछ डिफेंस है, ये जो अपन बात कर चुके हैं कि कल को हमने अभी आइडेंटिफाई करा, ठीक है, तो मैनेजमेंट हमको ये आरोप नहीं लगा सकता कि ये तू पहले भी आइडेंटिफाई कर सकता था, तूने पहले क्यों नहीं बताया, भले ही वो वीकनेस है, फ्रॉड और एरर हुआ हो, हमने जब आइडेंटिफाई करा हमने तब बताया है, हमने हमारी ऑब्लिगेशन पूरी करी है। तो इस तरीके से हमने ऐसे 265 ओवर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CTV। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे में, जहाँ पे हम जो है फर्दर ऐसे 265 के बाद ऐसे 299 का डिस्कशन करेंगे। टिल देन बाय बाय।